सब्सक्राइब करें टेक गार्जियन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदिल और आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ओप्पो के वन, जो कि एक बहुत ही शानदार फ़ोन लॉन्च किया गया है ओप्पो की तरफ से, वो भी 16,990 रुपये में विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और हम बात करें अगर इस फ़ोन की, तो आपको ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट मिलेगा, वो भी 12 तारीख को 12 बजे के बाद से। और हम बात करें अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, तो ये वाला फ़ोन का वेरिएंट है 4 GB ऑफ रैम और 64 GB ऑफ स्टोरेज। तो चलिए आपको बॉक्स खोल के दिखाते हैं और बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो दिखाते हैं। तो लेट्स अनबॉक्स द बॉक्स। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है ओप्पो की तरफ से पैम्फलेट, सिम इजेक्टर टूल और साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट केस आपके फ़ोन के लिए। चलिए साइड में रखते हैं और देखते हैं फ़ोन आपको यहाँ पे कैसा मिलता है। यहाँ पे पहले से ही मेंशन है कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। चलिए इस रैपर को हटाते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे डुअल कलर स्कीम के साथ आपको ये फ़ोन मिल जाता है, काफ़ी ड्यूरेबल फील हो रहा है। और आपको पी बैक में आपको डबल कैमरा मिल जाता है विथ LED फ्लैश और ऑन द फ्रंट में आपको मिल जाता है 6.14 का डिस्प्ले। साथ ही साथ आप बॉक्स में आपको मिल जाता है चार्जर, साथ ही साथ हेडफोन। तो ये हेडफोन आईफोन का कॉपी टाइप का है और बेसिकली 3.5 mm जैक वाला है, और इसका मतलब है फ़ोन में भी आपको 3.5 mm जैक मिल रहा है और काफ़ी ड्यूरेबल है। बट ये कॉपी लग रहा है मुझे एप्पल का, क्या कर सकते हैं, फ्री का चीज़ अच्छा लगता है, काश वन प्लस भी हेडफोन देता फ्री का। फिर बात करते हैं मगर चार्जर की, तो यहाँ पे चार्जर में एक मुझे डिमेरिट लगा, इसमें USB टाइप सी नहीं है, ये माइक्रो USB है एज़ यूजल ओप्पो जो देता है। और ये आपका चार्जर अडाप्टर वो भी 5 volts 2 ampere के साथ आपको मिल जाता है। कुछ इस तरह का फ़ोन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप ऑन द फ्रंट आपको मिल जाता है 6.41 inch का डिस्प्ले जो कि सुपर एमोलेड है। ऑन द टॉप आपको मिल जाता है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और ऑन द लेफ्ट में आपको मिल जाता है एक पावर बटन। अदर देन पावर बटन इस साइड में कुछ नहीं है। ऑन द बॉटम आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक और एक माइक्रोफोन और साथ ही साथ आपको माइक्रो USB। ऑन द लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है यहाँ पे सिम लगाने के लिए जगह है और साथ ही साथ मैं बता देना चाहूँगा ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, इसमें आप 2 सिम लगा सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड साथ ही साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस फ़ोन को पहली बार बूट कर लेते हैं। यहाँ पे पावर बटन को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ओप्पो का लोगो आ गया है, यहाँ पावर बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और इसको पहले से सेटअप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोन को सेटअप कर दिया और बेसिकली इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये बेसिकली इस फ़ोन में आपको मिला था 6.41 inch का AMOLED डिस्प्ले और इसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 और ये काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है और काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये पिन ड्रॉप जो इसका नॉच है लाइक सैमसंग का M सीरीज़ के जैसा। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और काफ़ी तेज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एंड बेसिकली ये मिस नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इसकी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की, तो वो भी बहुत तेज़ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट, आप देख सकते हैं पलक झपकते ये खुल जा रहा, तो ये आपको पता चलने से पहले ही अनलॉक हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, देख सकते हैं आप कभी भी मिस नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक बजट फ़ोन के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए आपको सेटिंग्स में ले चलते हैं। तो चलिए आपको सेटिंग्स में दिखाते हैं इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन मिलता है, कितना स्टोरेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट फोन में आ गए हैं, तो इसमें आपको कलर OS 3.2 मिल जाता है, एंड्रॉयड वर्जन 8.1 आपको एक बार क्लिक करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं ये ओरियो का सिंबल आ गया है, तो बेसिकली इसमें एंड्रॉयड का ओरियो 8.1 है। रैम आपको यहाँ पे 4 GB मिल जाता है और बेसिकली इसमें प्रोसेसर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 660 2.2 GHz वाला और यहाँ पे स्टोरेज आपको मिल जाता है 47.3 GB अवेलेबल स्टोरेज है यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। अगर हम बात करें गेमिंग की, तो बैलेंस ग्राफिक में पबजी काफ़ी स्मूथ चल रहा था, कोई भी फ्रेम ड्रॉप और लैग नहीं था। और HD ग्राफिक्स की बात करें हम, तो माइनर था फ्रेम ड्रॉप दिखने को मिल रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है इन बजट में और अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहाँ से क्लिक करके फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब तुरंत देता हूँ। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।